टॉकिंग अबाउट ICAP, इट मीन्स कि आप एक मुल्क के अंदर, एक कंट्री के अंदर, बल्कि पाकिस्तान की अगर हम बात कर रहे हैं, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान ICAP है, तो इसमें यू कैन से कि जो बड़े बड़े लेवल के डिसीजंस होते हैं ये इस इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी है। फिर इस इंस्टीट्यूट ने क्या किया, लोगों को ट्रेन करना शुरू किया। अब इंस्टीट्यूट बिल्डिंग थोड़ी जाएगी, कहीं पे जाके डिसीजन लेगी, उसके अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो ICAP को ICAP बनाते हैं। तो जो लोग इंस्टीट्यूट की एक क्वालिफिकेशन को पास कर लेते हैं वो उस इंस्टीट्यूट के बिहाफ पे तमाम डिसीजंस करते हैं, और ICAP ने उस क्वालिफिकेशन का नाम रखा चार्टर्ड अकाउंटेंसी CA पाकिस्तान। अब ये जो क्वालिफिकेशन है ये पूरी दुनिया में जो है ना वो एज ए प्रोफेशनल एक्सेलेंस के तौर पे जो है ना वो इसको बोला जाता है, समझा जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी को, कि जनाब ये वाले जो लोग हैं ये वाकई प्रोफेशनल हैं, दे नो द थिंग्स, और वो उसको अप्लाई भी कर सकते हैं, राइट। सो द थिंग इज़ के इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के अंदर तमाम मेजर इकोनॉमिकल डिसीजंस में गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा होता है, हर तरह के मामलों में हेल्प कर रहा होता है। अभी रिसेंटली आपने, जैसे अभी हमने जिक्र भी किया, FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे मुल्क के लिए, और उसमें उसकी तमाम जो प्रॉब्लम्स है उसको रिजॉल्व करने के लिए ICAP के लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है। ICAP ने पॉलिसी मेकिंग में हेल्प की है, ICAP ने उसको इम्प्लीमेंट करने में हेल्प की है, और कैसे हेल्प किया, थ्रू इट्स मेंबर्स। बहुत सारे मेंबर्स ICAP के उस मामले में जो है ना वो गवर्नमेंट की हेल्प करते रहे। तो ये जनाब बहुत सारे मामले आते हैं। अभी रिसेंटली कंपनी लॉज के अंदर चेंजेस आए, तो उसमें SEC ने ICAP को स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि जनाब हमें बताएं कि हम क्या चेंजेस लेके आएँ, तो ICAP ने उसमें बहुत एक्टिवली प्ले किया।